नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा दोस्तों 8 अक्टूबर के डेट में जो हुआ है दोस्तों, इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों उसका सही आंसर क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस के सारे प्रश्नों को देखेंगे और दोस्तों ये भी बताऊंगा कि अगर आपका दोस्तों नेक्स्ट डे अदर डे किसी भी दिन दोस्तों पेपर है तो आप कौन से प्रश्न ज़्यादा पढ़िए कि आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं 8 अक्टूबर का पेपर। एक बात और दोस्तों मैं बता दूँ, दोस्तों मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप भी पढ़ाता हूं दोस्तों। आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों, अन अकेडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 8 अक्टूबर के पूछे गए सारे प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये 8 अक्टूबर का पेपर है, प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये प्रश्न दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों अगर आपका नेक्स्ट डे पेपर है तो राज्यपाल भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखेंगे पी सत्यशिवम वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन, और राज्यपाल वहाँ के पी सत्यशिवम। इन दोनों नामों दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि आगे आपको देखने को पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री पूछा जा चुका है दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के मुख्यमंत्री हैं, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, सिक्किम के ब्रांड एंबेसडर कौन है? तो संगीतकार ए आर रहमान सिक्किम के ब्रांड एंबेसडर हैं, ठीक है। तो ब्रांड एंबेसडर से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं आप पढ़ लीजिए क्योंकि ब्रांड एंबेसडर से रिलेटेड एक दो प्रश्न डेली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है अभी, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 किसे मिला है? तो उनका नाम है दोस्तों गोपाल कृष्ण गांधी। दोस्तों राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार के बारे में बता दूं, ये जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, वह महात्मा गांधी के पौत्र हैं। इन्हें दोस्तों 24वां राष्ट्रीय राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसके और बारे में इनको बता दूं, तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है यह भी पूछा जाता है प्रश्न, तो याद रखेंगे सांप्रदायिक सौहार्दता शांति एवं सद्भावना फैलाने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। यह पुरस्कार दोस्तों 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे, ठीक है। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से रिलेटेड इतने प्रश्न बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड और कोई प्रश्न है तो आप आंसर दे लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, पूछा गया है डेल के सीईओ कौन है? तो डेल के सीईओ माइकल एस डेल हैं। तो याद कैसे रखेंगे, डेल है माइकल एस डेल, तो डेल के सीईओ, ठीक है, तो इनका नाम ऐसे याद रखेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाखा दत्त क्या है? मुद्रा राक्षस के लेखक है। यह प्रश्न क्या है? कराया हुआ है और रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन शासक बना? तो कौन शासक बना? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है, बेटा, यानी कि बिंदुसार शासक बना, ठीक है, तो यह भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, पूछा गया है, मायोपिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता होगा दोस्तों मायोपिया रोग कैसा होता है, निकट दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है वो किसे प्रभावित करता है? निकट दृष्टि दोष दोस्तों आँख में होती है, ठीक है, तो आँख हो जाएगा इसका सही आंसर, तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई पेपर में पूछा जा चुका है और इसे साइंस में कराया भी हूं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है आपका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, तो इसे भी याद रखेंगे, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आया है, यूएस ओपन 2017 मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो उनका नाम है राफेल नडाल, ठीक है। यह प्रश्न भी दोस्तों 4 से 5 बार रिपीट कर चुका है, तो अब इसे भी याद रखेंगे, आगे आपका पेपर है तो पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, उत्तरी भारत का प्रथम वन्य जीव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है बरेली के वैज्ञानिकों द्वारा, ठीक है, तो आप इसे उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। पशुओं का डीएनए बैंक भी इसे कहा जाता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे, दिवस से रिलेटेड भी डेली 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस है वो आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, पुस्तक के लेखक
कौन सा है? देखिए, वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका दोस्तों नाम है चेतन भगत। ठीक है, इनका नाम भी याद रखेंगे, आगे पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, लगभग 10 से 15 बार, क्रैश कोर्स में भी बता चुका हूँ, पीछे आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ा रहा था तो उसमें भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, देवेन झाझरिया किस खेल से संबंधित हैं? तो देवेन झाझरिया जेवलिन थ्रो से संबंधित है। किस गेम से? जेवलिन थ्रो से। पैरा ओलंपिक के ये खिलाड़ी हैं, तो जेवलिन थ्रो से ये संबंधित हैं, यानी कि जेवलिन थ्रो के ये प्लेयर हैं, तो याद रखेंगे। दोस्तों अगर आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी ई बुक है, उसके बारे में आपको बता दूँ। दोस्तों एलबुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एलबुक पब्लिशर ने इसकी कीमत 100 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये बुक मात्र आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। ऐसे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पढ़ लेंगे। ठीक है, और कौन कौन से दोस्तों इसमें आपके प्रश्न कवर हो जाएंगे? तो जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर हो जाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप इसको ले कहां से सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप कहीं से भी दोस्तों इसको मात्र 30 रुपए में ले सकते हैं। दोस्तों ये बुक आपको मार्केट में ऑफलाइन नहीं मिलेगी, या ऑनलाइन ही उपलब्ध है। दोस्तों जब आप इसको डाउनलोडिंग करेंगे, दोस्तों ईमेल आईडी जो डालेंगे परचेस करते टाइम, उसी ईमेल आईडी पे दोस्तों ये डाउनलोड होगा, और उसी ईमेल आईडी पे दोस्तों इसका पासवर्ड भी मिल जाएगा। मेरे देखने में दोस्तों ये बुक अच्छी लगी है, आप भी देख लीजिएगा। दोस्तों अच्छी लगे तो जरूर ले लीजिएगा। अगर जो दोस्तों आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम है, तो आप इसे दोस्तों जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में इससे ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न मिलेंगे। तो देख लीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, 2017 की बेस्ट मराठी फिल्म कौन सी है? तो कच्चा लींबू वहाँ की मराठी बेस्ट फिल्म है। ठीक है, 2017 की बेस्ट मराठी फिल्म कच्चा लींबू है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी के ताहिल रहमानी। ठीक है, बी के ताहिल रमानी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। कहाँ के? मुंबई, यानी कि मुंबई उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट, मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, इनका दोस्तों नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न आगे आपको देखने को पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला पुस्तक के लेखक से प्रश्न पूछा गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी दोस्तों याद रखेंगे, सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, पूछा गया प्रश्न है, सानिया मिर्जा की जीवनी पर लिखी पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है, सानिया मिर्जा की जीवनी पर लिखी पुस्तक का नाम पूछा है थी, तो उसका नाम है दोस्तों एस अगेंस्ट ऑड्स। क्या नाम है दोस्तों? एस अगेंस्ट ऑड्स उनकी जीवन पर लिखी पुस्तक का नाम है। तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे, पुस्तक से रिलेटेड डेली आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पुस्तक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है आप उसे पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ पा रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसे करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, कराया हुआ प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल टोटल सीटें पूछ रहे हैं, तो 250। और लोकसभा में दोस्तों पूछ ले आगे अगर जो पेपर है, तो कितना याद रखेंगे? 552। कुल कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 552 है, तो ये भी याद रखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए दोस्तों इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ दोस्तों सारे प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि आप हमसे जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके, ताकि आपको भी डेली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो जुड़े रहिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम के लेखक दोस्तों कालिदास है, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और किसे दिया जाता है दोस्तों? खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आपको पहले भी बताया था, ठीक है, तो यह प्रश्न भी देखने को मिला। आगे दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है,
अगला दोस्तों प्रश्न देख लीजिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, आपको याद होगा दोस्तों, लेकिन पूछ लिया है तो इसका आंसर याद रखेंगे। आगे अगर जो आपका रिपीट कर जाएगा जो पेपर में, तो ये इस प्रश्न का आप आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उनका दोस्तों नाम है अशोक कुमार माथुर, सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका नाम दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, आगे देखने को आपको पेपर में मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, चीन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ली क्विंग। क्या कौन है? चीन के प्रधानमंत्री। चीन के दोस्तों राष्ट्रपति तो कई बार पूछ लिया जा चुका है आपके रेलवे ग्रुप डी में, कौन है? शी जिनपिंग वहां के क्या है, राष्ट्रपति है, जो भारत दौरे पर भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये तो आपको याद होगा, लेकिन देखिए आज के पेपर में क्या पूछा है, प्रधानमंत्री कौन है, तो चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग है। इनका नाम भी दोस्तों याद रखेंगे, आगे आपके पेपर है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग देख लीजिए, उसके बाद आपके मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, कैसे आपको सॉल्व करना है, आसान ट्रिक भी बताऊंगा सॉल्व करने के लिए। देखिए दोस्तों रीजनिंग में पूछा गया वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से कौन सा प्रश्न है, पहला है मेज, फर्नीचर, कुर्सी। आसान आसान रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर जो आपके रेस कोर्स के वीडियो देखे होंगे तो आपका दोस्तों एक भी प्रश्न नहीं छूट सकता, मैथ रीजनिंग तो मैं आपकी पूरी गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो देखिए मेज का, फर्नीचर और कुर्सी का संबंध बनाना है, तो दोस्तों फर्नीचर के अंतर्गत क्या आ जाता है, ये फर्नीचर हो गया, फर्नीचर के अंदर ही मेज भी आ जाएगा और कुर्सी भी आ जाएगा, तो इसका दोस्तों वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, सेब, नारंगी और फल, तो दोस्तों फल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, नारंगी और सेब आ जाएगा ना, तो ये फल का हो गया सर्किल और ये हो गया सेब और ये हो गया नारंगी, तो इसका भी इमेज कैसे बन जाएगा, यानी कि वेन डायग्राम ऐसे बन जाएगा, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कराया हुआ प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों पांच सीरीज का है, सीरीज में अगला संख्या आपको बताना है, 5, 9, 17, 33 और प्रश्नवाचक चिन्ह, अगला संख्या क्या होगा आपको बताना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, आपको सीरीज में मैं बताया हूं, जब भी संख्याएं बढ़ रही हो, 5 के बाद 9 हुआ, 17 हुआ, 33 हुआ, तब हम क्या देखते हैं दोस्तों, अंतर देखते हैं, अंतर कितने का हो रहा है, यानी कि डिफरेंस। तो देखिए दोस्तों इसमें अंतर कितने का है, 5 के बाद 9 हुआ तो कितना बढ़ा है दोस्तों, 4 बढ़ा है, 9 के बाद 17 हुआ तो कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, 17 के बाद दोस्तों 33 हुआ है तो कितना दोस्तों बढ़ा हुआ है, 16 बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 16 बढ़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं अब 33 के बाद क्या होगा, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बढ़ा है, 4 बढ़ा है, फिर क्या बढ़ा है, 8 बढ़ा है, 16 बढ़ा है, अब कितना बढ़ेगा, 32 बढ़ेगा। 32 और 33 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 32 और 33 जोड़ेंगे तो 3, 2, 5, 3, 3, 6, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 यानी कि 65 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे संख्या सीरीज बढ़ रही है, 4, 8, 16, फिर बढ़ गया 32, तो 33 में 32 जोड़ देंगे तो 65 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, मिरर इमेज से प्रश्न पूछा गया है, मिरर इमेज आपको बताना था, बैंक का मिरर इमेज क्या होगा, तो दोस्तों मिरर इमेज कहां हो लगेगा, मिरर आपका यहां पे लग जाएगा, तो मैं आपको बताया था दोस्तों मिरर इमेज में क्या होता है दोस्तों, पहले कैसे होता है, जो ये लास्ट में है तो ये कहां आ जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो के का दोस्तों मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो जस्ट दोस्तों क्या होता है, मिरर में उल्टा होता है, ये चीज बताया ना आपको, तो उल्टा होता है, तो देखिए उल्टा के कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा के, और यन दोस्तों उसके बाद है, तो यन उल्टा दोस्तों कैसे बनेगा, यन देखिए दोस्तों उल्टा आपका बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यन उल्टा ऐसे, ठीक है। और ए दोस्तों उल्टा करेंगे तो ए दोस्तों उल्टा करने पे भी वही रहेगा, और बी का दोस्तों उल्टा करेंगे बी को, तो बी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज दोस्तों ये हो जाएगा। तो आप मिरर इमेज से रिलेटेड मैं आपको एक अलग से वीडियो भी दे दिया हूं, उसे आप दोस्तों देखे होंगे, तो मिरर इमेज का आपका एक भी प्रश्न गलत तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर जो इसका वाटर इमेज पूछ ले, तो वाटर इमेज कहां होता है, वाटर इमेज नीचे होता है, ठीक है। तो वाटर इमेज ऐसे हो जाएगा बी, और ए ऐसे हो जाएगा दोस्तों, और यन दोस्तों कैसे हो जाएगा, यन ऐसे हो जाएगा, और के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वाटर इमेज कभी भी दोस्तों कहां होता है, नीचे लगता है, मिरर ही समझ लीजिए, लेकिन वाटर को क्या होता है, नीचे कर देते हैं, और मिरर दोस्तों आपका इस साइड दे सकता है या इस साइड दे सकता है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों वाटर इमेज से रिलेटेड भी आप प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, कहेंगे तो मिरर इमेज और वाटर इमेज को मिक्स करके एक मैं वीडियो आपको दे दूंगा, उसमें भी सारे जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप अच्छे से उसके सॉल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला दोस्तों प्रश्न है, ए जेड सी वाई
का संबंध है BYDW से, तो HQJO का संबंध किससे होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि A को ये क्या लिखा है, B लिखा है, यानी क्या किया है, एक बाद वाला लिख दिया है। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं, जेड को क्या लिखा है दोस्तों, एक पहले वाला लिख दिया यानी कि वाई लिख दिया है। सी को क्या लिखा है दोस्तों, एक बाद वाला लिख दिया यानी डी लिख दिया है। और वाई को क्या लिखा है दोस्तों, वाई के पहले एक्स आता है, उसके पहले डब्ल्यू आता है, यानी कि एक का बीच में गैप कर दिया है, उसके बाद डब्ल्यू लिखा है, ठीक है। लास्ट वाले में क्या किया, एक का गैप कर दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक का क्या लिखा था, बी लिखा था बाद वाला। यच को दोस्तों क्या लिखा जाएगा, यच को आई लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यच को आई लिखा जाएगा। और जेड को दोस्तों क्या लिखा था, एक पहले वाला वाई लिखा था ना, तो क्यू के पहले दोस्तों क्या आता है, पी आता है, क्यू के पहले क्या आता है, पी आता है, पी क्यू, ठीक है, पी आता है, उसके बाद फिर क्यू आता है, तो क्यू के पहले क्या आता है, पी। फिर उसके बाद दोस्तों सी को देखेंगे तो क्या लिखा था, डी लिखा था, एक बाद वाला। तो दोस्तों जे को क्या लिख दिया जाएगा, के लिख दिया जाएगा, जे को क्या लिखा जाएगा, के लिखा जाएगा। और दोस्तों डब्लू है यहाँ पे नहीं, वाई है दोस्तों, वाई के पहले एक एक्स आता है, एक्स को छोड़ दिया है, डब्लू लिख दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ओ के पहले क्या आता है, एन आता है, और एन को हम छोड़ देंगे, उसके पहले क्या आता है, यम आता है, ठीक है, यम, एन, ओ आता है ना, तो यम, आई पी के एम, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे दोस्तों ये वाला सीरीज चल रहा है वैसे ही मुझे हम लोगों को क्या करना है, ये वाला सीरीज चलाना है, तो आई पी के एम इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आप अगर जो आपके पास एक से दो दिन का टाइम है तो आपके लिए दोस्तों एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट करेगी, मैं उसके बारे में बता दूं, उसके बाद मैं मैथ के क्वेश्चन बताता हूं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है दोस्तों, इसमें आपको 10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे और दो भाषाओं मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश, आप किसी भी भाषा में दोस्तों इसे दे सकते हैं। और दोस्तों जैसे आपके ग्रुप डी में ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, ऐसे ही इसमें भी दोस्तों आपका टाइमिंग चलेगा और आपको उतने क्वेश्चन मिलेंगे और उतने दोस्तों समय मिलेगा और आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देख लेंगे किसी प्रश्न में आपको डाउट है। तो दोस्तों इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को देने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा कि कौन से प्रश्न पे आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से प्रश्न पे कम देना है, कौन से प्रश्न छोड़ना है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जो आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा तो आप पेपर में दोस्तों 10 से 15 नंबर आप आसान से क्या कर सकते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर जो इसमें दोस्तों आपके पास टाइम है तो अगर जो 4 से 5 भी टेस्ट दोस्तों दे लेते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। दोस्तों इसकी कीमत कितनी रखी गई है, तो मात्र 49 रुपीज रखी गई है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए 5 रुपए से कम का ही एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। आप इसे दोस्तों ले कहां से सकते हैं, तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूं। आप कहीं से भी दोस्तों मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। डाउनलोडिंग से संबंधित या पेमेंट संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों आप जब लिंक पर विजिट करेंगे तो वहीं पर दोस्तों आपको ये वाला नंबर भी लिखा मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है, इसका पेमेंट कैसे करना है, ठीक है, अगर जो इस टाइप की कोई समस्या होती है। तो दोस्तों टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, तो इसलिए दोस्तों आप टाइम मैनेजमेंट करना कब सीखेंगे, तो आप इसको जब टेस्ट देंगे, तो ये दोस्तों टेस्ट आप मोबाइल पे भी दे सकते हैं, अच्छी बात ये है, आप मोबाइल पे दे सकते हैं, लैपटॉप पे दे सकते हैं, कंप्यूटर पे दे सकते हैं, टैबलेट पे, कहीं पे भी दोस्तों आप चाहें तो अच्छे से इसे दे सकते हैं। और दोस्तों टेस्ट दीजिएगा और ये भी मुझे बताइएगा कि टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। आइए दोस्तों देखते हैं मैथ का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मैथ का प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न कह रहा है, एक किताब का 3/11 हिस्सा पढ़ लिया गया है, फिर भी 160 पेज बाकी हैं, तो किताब में कुल कितने पेज हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, मैथ के प्रश्न के लिए मैं आपको बताया ना, क्वेश्चन को जब आप अच्छे से समझेंगे तो प्रश्न को भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक किताब है, समझ लीजिए उसमें क्या किया गया, 3/11 हिस्सा पढ़ लिया गया है, और जो हिस्सा दोस्तों बचा हुआ है तो उतना कितने पेज के बराबर है, 160 पेज के बराबर है, यानी कि बाकी है, तो किताब में कुल पेज को की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों जब अगर कोई किताब है उसका 3/11 हिस्सा पढ़ लिया जाए, यानी कि दोस्तों 11, उसमें समझ लीजिए कि 11 पेज है, मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, ऐसे मानेंगे हम 11 पेज है दोस्तों, उसमें से हम क्या किए हैं, 3 पेज को दोस्तों हम पढ़ लिए हैं, तो बचेगा दोस्तों कितना पेज, 8 पेज बच जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों बचा पेज लिखा है ना, फिर भी 160 पेज बाकी है, यही दोस्तों बचा पेज क्या है, यूनिट में मान लेंगे दोस्तों, यही बचा पेज 160 है, ठीक है, यानी कि 8 यूनिट बराबर दोस्तों, यानी कि 8:1 पेज, ठीक है,
8:160 पेज। तो दोस्तों 1:1 क्या हो जाएगा, हम 160 को क्या करते हैं 8 से भाग कर देते हैं, 8 × 16 = 0 यानी कि 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:20 हो जाएगा दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, तो किताब में कुल कितने पेज है, तो किताब में दोस्तों कुल कितने पेज है, तो 11 पेज है। ठीक है, तो 11 यानी कि रेशियो में है, पेज में नहीं है, 11 रेशियो में। तो कुल 11:1 हम क्या निकालेंगे दोस्तों, 1:1 आपका क्या आया था दोस्तों, 20 आया था। तो 11:1 क्या आ जाएगा, तो 20 × 11 यानी कि 11 × 20 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 × 20 करेंगे तो 220 आंसर आ जाएगा। यानी कि कुल पेजों की संख्या उसमें कितनी हो जाएगी दोस्तों, 220 पेज। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और दोस्तों समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक शेयर तो आप जरूर करेंगे। देखिए cos A - sin A = 0 दिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, और पूछ क्या रहा है, तो tan²A / cos²A + sin A का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न बेहद ही आसान प्रश्न है, इसको त्रिकोणमिति का इस प्रश्न है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले आपको समझना क्या चीज है, cos A - sin A = 0 दिया है, तो देखिए दोस्तों ए पे हम क्या वैल्यू रखें कि 0 आ जाए। तो दोस्तों साइन और कॉस की 45 पे वैल्यू क्या होती है, समान होती है। जब दोस्तों समान वैल्यू में से समान वैल्यू घटाया जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि ए पे क्या आती है, cos 45 कितने का होता है दोस्तों, 1/√2 का होता है ना, sin 45 भी 1/√2, 1/√2 - 1/√2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 45 डिग्री। बस ये चीज आप समझ गए तो समझ लीजिए आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया, आइए अब आपको आगे बताते हैं। जब ये वैल्यू आ गई आपको 45, तो tan²A का मतलब क्या हुआ, tan 45 का होल स्क्वायर। तो tan 45 का दोस्तों होल स्क्वायर कितना होता है, tan 45 की वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा दोस्तों। और cos²A दिया है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/√2 होता है, और इसका हम होल स्क्वायर दोस्तों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ हम लिख दिए, समझ गए। आगे लिखा है sin A + sin A है ना ये चीज, तो sin A यानी कि sin 45, तो sin यानी थीटा की ये वैल्यू क्या है, A, जो A की वैल्यू है 45, वही A के स्थान पे रखेंगे, तो sin 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, बस जब इतना दोस्तों आप समझ गए तो आप प्रश्न को सॉल्व कर लिए। कैसे सॉल्व कर लिए, देखिए जब ये चीज हो गया तब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये 1 है ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा, और नीचे दोस्तों हम LCM लेंगे 2 और √2 का, तो क्या हो जाएगा, 2√2 LCM हो जाएगा। और 2√2 से दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा, और फिर दोस्तों यहाँ √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे अच्छे से क्या मैं समझाना चाहता था। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2√2 यानी कि इसकी LCM लेंगे तो 2√2 आ जाएगा, उसके बाद से ऊपर करेंगे तो √2 + 2 हो जाएगा, और ये आपका 1 तो रहेगा ही। अब फिर दोस्तों ये क्या होता है, ये जो तीसरा वाला है ना, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 2√2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और नीचे बच क्या जाएगा दोस्तों, √2 + 2, क्या बच जाएगा, √2 + 2, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए हैं। अगर जो दोस्तों त्रिकोणमिति में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको दोस्तों पूरी ट्रिग्नोमेट्री एकदम अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो आपके प्रश्न कोई पेपर में आएगा तो छूटेगा नहीं। तो अगर जो दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा। लाइक वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शेयर वाला सिंबल दोस्तों इस टाइप से बना होगा, यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी स्टडी ग्रुप को दोस्तों उसमें शेयर आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नीचे रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा होगा दोस्तों, आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो दोस्तों आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगी। नोटिफिकेशन कब मिलेगी दोस्तों, बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा, उसे क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे प्रेस करके। ठीक है, जब दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन इस टाइप से हो जाएगा तो आपको डेली सारे वीडियो की इंपॉर्टेंट जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। तो सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।